अब प्राइम पैंथर्स को चाहिए आखिरी ओवर में 6 रन, और एबेले कर्जन वॉरियर के कप्तान ने गेंद दी है जूनियर टाइगर साबिर तट्टू को। देखना होगा किस तरह से 6 रनों को डिफेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखिए चले पहली गेंद और ये पहला रन उनको लेग बाई के रूप में मिला, अब चाहिए 5 रन। दूसरी गेंद देवल एस पटेल को शॉर्ट फाइन ले, कोई रन नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पर साबिर तत्तू के द्वारा। अगली गेंद साबिर तत्तू की, देवल एस पटेल को फिर से कोई रन नहीं मिला, वहां पर चौथी स्लिप की तरफ गेंद गई, खिलाड़ी मौजूद वहां पे, कोई रन नहीं मिलेगा। इस ओवर की चौथी गेंद देवल एस पटेल को एक्स्ट्रा कवर पे 1 रन मिलेगा। अब 2 गेंदें बची है। पांचवी गेंद साबिर तत्तू विमल टंडेल को, और एक और डॉट बॉल वहां पर शॉर्ट थर्ड की तरफ गेंद गई, खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। अब देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या होता है। साबिर तत्तू चले अपने हल्के कदमों से विमल टंडेल को, कोई रन नहीं वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पर, और ये पहली बार हुआ है कि 6 रन T20 के अंदर डिफेंड किए हैं। इस तरह के डोमेस्टिक मुकाबलों में BKPL रोमांचक मोड़ पे, हर गेंद पे रोमांस हमको देखने मिल रहा है। बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर जूनियर टाइगर की, साबिर तट्टू द मैन इन फॉर्म विद द बैट एंड बॉल, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच तीसरी मरतबा BKPL में। ये बहुत बड़ा नाम है। छोटे से हम अगर देखें कि टूर्नामेंट की शुरुआत हुई 1-2 मैचों में आगे पीछे, मगर जो वापसी की है काबिले तारीफ, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, और MLA कर्जन वॉर्ड से लाजवाब फील्डिंग और एफर्ट्स लगाए जिनकी बदौलत उनको जीत मिली। हम देखेंगे आज किस तरह से मुकाबला रहा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, MLA कर्जन वॉरियर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए थे, और मैं आपको बताऊं तो 38 रन 38 सर्वाधिक रन साबिर तट्टू ने, जो आज के हीरो है, उन्होंने बनाए थे। और प्राइम पेनर्स की मैं बात करूं तो 26 रन विमल टंडेल ने बनाए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मगर अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए, क्योंकि इसका वजह था साबिर तट्टू जूनियर टाइगर, जो रन को नहीं होने दे पाए। और मैं आपको बात करूं गेंदबाजी की तो साबिर तट्टू ने 4 ओवर 17 रन लेकर 1 विकेट लिया। राजू ने 2 विकेट चटकाए और इमरान बालिस्टर ने 1 विकेट चटकाया। इमरान बालिस्टर ने भी 19वीं ओवर बेहतरीन गेंदबाजी की, सिर्फ 7 रन दिए थे। तो किसी तरह का रूम मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को इस वापस में मैच में पकड़ जमाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। और मैं आपको बात करूं, इससे पहले जो मुकाबला खेला गया था तो मीनाज हार्डवेयर लो स्कोरिंग मैच में मीनाज 88 रन पे ऑल आउट हो गई। सलमान राइजिंग स्टार ने मुकाबला 4 विकेटों से जीत लिया। केतुल पटेल मैन ऑफ द मैच रहे। अगर मैं आपको गेंदबाजी की बात करूं सलमान राइजिंग स्टार की, 4 विकेट चटकाए साहिद पटेल ने, डॉक्टर साहिद पटेल जूनियर मास्टर, एक और बहुत ही उम्दा खिलाड़ी ऑलराउंडर, जिन्होंने 4 विकेट चटकाए, केवल 15 रन दिए उन्होंने 4 विकेट चटकाए, और केतुल पटेल ने 3 विकेट चटकाए। बल्लेबाजी के अंदर उतरी सलमान राइजिंग स्टार, 39 रन केतुल पटेल ने बनाए, जिसकी बदौलत उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो इस तरह से रहा। मैं आपको से साथ साथ फिलहाल पॉइंट टेबल की स्थिति क्या बनी आपको बताना चाहूंगा। चीनो ब्रदर्स पहले पे बरकरार है, ईगल जम्बू से दूसरे पे फिलहाल उसी जगह पर है, सलमान राइजिंग स्टार तीसरे पायदान पे आ चुका है, मीनाज हार्डवेयर चौथे पायदान पर आ चुका है। MLA कर्जन वॉरियर्स 8 मुकाबले खेले, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं, तो उनको निश्चित अभी आखिरी इनका जो मैच बाकी उनको जीतना होगा कड़ी टक्कर के लिए। एक बॉल रहे रोमांचक मोड़ में BKPL पहुंच चुका है। हर गेंद पे आपको अब भरपूर मनोरंजन देखने मिलेगा, बल्लेबाजी में, फील्डिंग में, गेंदबाजी में, क्योंकि टॉप 6 की लड़ाई है ये। तो ये जो हम देख रहे हैं कि हर मोमेंट पे एक कुछ नया देखने मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी बात है। ये इसका सक्सेस दिखा रहा है कि भाई किस तरह से टूर्नामेंट किस वे में जा रहा है। लो स्कोरिंग रहता है तो लो स्कोरिंग में भी तकलीफ हो रही है, हाई स्कोरिंग हो रही है तो पीछा रन का पीछा करने टीम जा रही है। तो बेहद एक रोमांचक मोड़ में अब ये लीग आ चुका है। तो जरूर से आप हमारे आगे भी मैचेस को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, गुड नाइट, सब बखैर।